स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपका पेपर सेकंड है उसके फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर लेंगे। और वो जो टॉपिक आएंगे वो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी, बंध लंबाई, बंध कोण और बंध ऊर्जा। इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ ट्वेल्थ में पढ़ा है, पर क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है और आगे हमारे बहुत काम आएगी, इसलिए हम इसको यहाँ पर एक बार वापस रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। तो कोई भी एटम है और वो जिन परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, तो जो दो बंधित परमाणु हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। बॉन्ड लेंथ की जो यूनिट होती है वो है एंगस्ट्रॉम। अब इसके लिए पॉलिंग ने एक डेफिनेशन दी, वो हम लेते हैं कि पॉलिंग के अनुसार एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बंधित परमाणुओं की सहसंयोजी त्रिज्याओं का योग उनकी बंध लंबाई के बराबर होता है। इसको अगर हम फॉर्मूले से समझाएं तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। कोई एक मॉलिक्यूल है ए बी, उसके लिए जो बॉन्ड लेंथ निकालनी है वो होगी ए एटम की त्रिज्या प्लस बी एटम की त्रिज्या। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो किसी ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ आ जाती है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम बॉन्ड लेंथ मेज़र कर सकते हैं। इसको अगर हम फिगर से बताएं तो ये एक ए बी मॉलिक्यूल है, ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये दोनों के न्यूक्लियस हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो ए एटम की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बी एटम की त्रिज्या। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो वो एक ए और बी के एटम की बीच की दूरी आ जाती है और वो बॉन्ड लेंथ कहलाती है। इसको अगर हम और एक एग्जांपल से समझें, अगर हमको दी हुई हो कार्बन की सहसंयोजी त्रिज्या जो कि है 0.77 एंगस्ट्रॉम और क्लोरीन की दी हुई है 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हमको कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो हम क्या करें, ये एक कार्बन और एक दूसरे कार्बन, इन दोनों की जो सहसंयोजी त्रिज्या है उसको हम ऐड कर दें तो ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमको CCl की निकालनी है तो हम कार्बन की सहसंयोजी त्रिज्या ले लें और क्लोरीन की सहसंयोजी त्रिज्या ले लें और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगी CCl की बंध लंबाई। तो इस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको कई सारे फैक्टर्स हैं वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। जो फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं उसमें सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे एस कक्षक की प्रतिशतता बढ़ती है बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और ये क्यों कम होती है इसको समझाने के लिए कि जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा तो एस करेक्टर बढ़ने के कारण वो नाभिक के से ज़्यादा आकर्षण फील करेगा, क्योंकि जो एस करेक्टर है उससे आकर्षण वो ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है। इस कारण से उसमें नाभिक के वो ज़्यादा पास आ जाएगा और ज़्यादा पास आने के कारण क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और वो कम होने के कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो भी कम हो जाती है। दूसरा जो फैक्टर है जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है वो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में
जितना अधिक अंतर होता है उस बंध में उतना ही अधिक आयनिक गुण आ जाता है, जिससे उनके मध्य अट्रैक्शन बल बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसको हम एक फॉर्मूले से बता सकते हैं, डी ए माइनस बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। ये दोनों तो वही ए एटम की त्रिज्या, बी एटम की त्रिज्या, और एक्स ए और एक्स बी यहाँ पर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो जो इस पे अफेक्ट डालता है वो है रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से भी बॉन्ड लेंथ प्रभावित होती है। जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और जो बेंजीन है उसमें उसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो है 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। ये रेजोनेंस के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो इतनी आती है, वो न तो इसके जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है और न ही वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। सिंगल बॉन्ड से तो है वो कम और डबल बॉन्ड से है वो ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है वो डीलोकलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड लेंथ है वो इन तीनों फैक्टर से अफेक्टेड होती है, और ये तीनों फैक्टर बॉन्ड लेंथ पर प्रभाव डालते हैं। तो ये था हमारा बॉन्ड लेंथ के बारे में। थोड़ा सा हम इसके आगे हम बॉन्ड एंगल को भी ले लेते हैं, और जो बॉन्ड एंगल है वो है किसी अणु में दो सन्निकट या संलग्न बंधों के मध्य का जो कोण है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। अब ये जो बॉन्ड एंगल मेज़र करना होता है, इसको हम जो हम निकालते हैं वो एक तो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं, और दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हम ये बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो आकृति होती है वो ज़्यादातर बॉन्ड एंगल पर ही डिपेंड करती है। बॉन्ड एंगल का मान बॉन्ड में भाग लेने वाले परमाणुओं की प्रकृति तथा कक्षकों के संकरण पर निर्भर करती है। जैसे CH4 है, इसके अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और उसका बॉन्ड एंगल 120 का होगा। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड वाला है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। इसी तरीके से जो वाटर और अमोनिया है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है, पर इसके अंदर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होते हैं, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रेजेंस के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री और 28 मिनट से कम होकर 104.5 डिग्री और 160 डिग्री का हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो भी इसके जो बॉन्ड एंगल है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, और उसके हिसाब से हम इनके बॉन्ड एंगल मेज़र करते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड एनर्जी। एक बंध निर्माण में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है या बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बंध ऊर्जा कहते हैं। तो जो बॉन्ड एनर्जी है, या तो कोई बॉन्ड बनने के में ऊर्जा काम में आए या बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा काम में आए, वो दोनों उसको हम बंध ऊर्जा कहते हैं। इसकी जो यूनिट है वो है किलो कैलोरी पर मोल है। हमेशा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड जो है वो टूटता है तो उसमें हमें ऊर्जा की देने की आवश्यकता होती है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी टू टाइप्स की होती है, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरी है बॉन्ड एनर्जी। पहले हम लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी ऊर्जा प्रयुक्त होती है वो उसकी बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है।
यहाँ हम लेते हैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करते हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो है 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसको हम यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल को एटम के अंदर ब्रेक कर रहे हैं तो ये कहलाएगी डिसोसिएशन एनर्जी। इसी तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें भी हम एक OH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो वो कहलाएगी डिसोसिएशन एनर्जी और उसकी वैल्यू होती है 118 किलो कैलोरी पर मोल। और इसी तरीके से ये H और O बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी 100 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर सभी में बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसलिए ये कहलाएगी डिसोसिएशन एनर्जी। सेकंड है बॉन्ड एनर्जी, बहु परमाणवीय अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत उसकी बंध ऊर्जा कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर जैसे CH4 है तो ये ब्रेक हुआ CH3+H में, फिर नेक्स्ट में फिर ये CH2H, फिर CH2 में CH और H, इस तरीके से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इन सब के अंदर जो ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसमें फर्स्ट है D1, D2, D3, D4। अब इन सब के लिए औसत ये जो बॉन्ड एनर्जी निकालनी है इन सारी एनर्जी को हम जोड़ देते हैं और कितने हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 4 से इसको हम भाग लगा देते हैं तो ये जो ऊर्जा आएगी वो कहलाएगी इसकी बॉन्ड एनर्जी। तो ये आती है 398/4 बराबर 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरीके से आज हमने बंध लंबाई, बंध कोण और बंध ऊर्जा इन तीन का बहुत ब्रीफ आइडिया लिया कि ये क्या होते हैं और इनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये आगे आने वाले चैप्टर में हमारे कुछ काम आते हैं और इनको समझना ज़रूरी था। थैंक यू।